हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम आ गए वाइल्ड लूप का एग्जांपल लेके जो मेन है बहुत रिवर्स द नंबर। ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या होता है? तो कोई भी नंबर यूज़र डालेगा तो उसका रिवर्स आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में सेम प्रोग्राम किया, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो उसका ही सिमिलर पार्ट है। तो आपका समझ लो यूज़र ने नंबर डाला 123। ठीक है, सेम, और आंसर क्या आना चाहिए रिवर्स में? 3, 2, 1, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। एन यूज़र 123 डालेगा तो सबसे पहला काम हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर void main, मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने int में ले लिया, मैंने n ले लूँगा यूज़र इनपुट जो लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ r, ले लेता हूँ रिवर्स करने के लिए एक वेरिएबल। ठीक है, क्लोज़ किया इसको मैंने। अब उसके बाद डायरेक्ट प्रिंट एफ इंटर नंबर, यूज़र जो भी इनपुट लेना चाहता है तो इंटर नंबर डबल इनोटेट क्लोज। ठीक है, अब स्कैन एफ इनपुट लेना है उसको, यूज़र को स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एम्बसन एन, जो भी एम्बसन यूज़ करते तो इनपुट के लिए करते हो स्कैन में, तो जो भी नंबर रहेगा एन में वो चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वाइल लूप, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 नहीं आता है तब तक ये लूप मेरे को चलाना है। ठीक है, जब तक n 0 नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, 123 जैसा कि दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स करना मतलब 3 अलग करना है, 2 अलग करना है, 1 अलग करना है, तो दो, ठीक है, 3, 2, 1 अलग करना है, तो फिर बाद में इसको उल्टा करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी करके, तो इसको सबसे पहला हमें अगर 3 इसका अलग करना है तो मॉड 10 करना होता है, अगर लास्ट डिजिट अलग करना होता है तो मॉड 10 करने का, मॉड 10 का मतलब है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 10 करूँगा तो 10 1 ज़ा 10, 2 बचा, फिर 10 2 ज़ा 20, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3, रिमाइंडर। तो ऐसे ही अभी इसमें n मॉड 10 करना होगा सबसे पहला काम। ठीक है, तो इसको उठा के मैं डी में डाल देता हूँ, डिजिट ले लेता हूँ, ऐसा एक वेरिएबल ले लिया, ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा मैं इंट में। ठीक है, तो डिजिट ले लिया मैंने, यहाँ पे डिक्लेयर ही कर देता हूँ ना डायरेक्ट। ठीक है, हटा देता हूँ उसको, कॉमा आ जाएगा बीच में और डी आ जाएगा, डी डिक्लेयर कर दिया इन टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद रिवर्स लिया था जो मैंने, तो आर मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, ये रिवर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, रिवर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, इसको उठा के रिवर्स में डाल दिया मैंने। ठीक है, आर मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, फिर उसके बाद n बाय 10 इक्वल टू n, इतना ही है। ठीक है, और फिर इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। समझ लो 123 है मान के चलो, इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बीच का लाइन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला n का वैल्यू क्या है मेरा, n का वैल्यू है 123। ठीक है, तो 123 नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ट्रू है, तो अंदर आएगा, तो 123 मॉड 10 कितना होता है, 123 मॉड 10 कितना होता है, 3 होता है, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा मतलब 123 मॉड 10 इज 3, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आ गया डी में, आ गया 3। ठीक है, अब डी प्लस आर इंटू 10, आर में इनिशियल में एक 0 लेना होगा आपको। ठीक है, आर में इनिशियल में 0, आर में इनिशियल में 0, तो 0 मल्टीप्लाई 10 इज 0, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इज कितना, क्योंकि 3 है डी में, 0 प्लस 3 इज 3। ठीक है, तो R में आ गया 3। अब N में कितना है, N में था 123, N में था 123, डिवाइड बाय 10 करना है इसको, तो कितना आएगा 12.3, लेकिन N क्या है, N में जाएगा वो, तो N तो मेरा इंटीजर है, तो इंटीजर सिर्फ 12 लेगा, पॉइंट में तो लेगा नहीं, वो सिर्फ इसमें आ जाएगा 12 आ गया। अब अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा वाइल लूप में, N का वैल्यू कितना है 12 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब नीचे आएगा, 12 मॉड 10 कितना होता है, 12 मॉड 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 12 मॉड 10 तो 10 1 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा D को हटा के 2 आ गया। ठीक है, D को हटा के 2 आ गया, तो अब यहाँ पे D में क्या आ जाएगा, 3 को हटा के 2 आ गया, और यहाँ पे R में क्या था मेरा, R में तो 3 था, R में 3 था, ठीक है, R में 3 था, और 3 मल्टीप्लाई 10 कितना, 30, और 30 प्लस 2 इज 32, मतलब 3 को हटा के आ गया 32, इसमें ऐड किया मैंने, 3 इंटू 10 इज 30,
एंड 30 + 2 इज 32, इसमें 32 आ गया। अब नीचे आएगा एन में क्या है, एन में तो है मेरा 12, एन में तो 12 था, तो 12 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 12 डिवाइड बाय 10 करूँगा मैं तो 1.2 आएगा, लेकिन 1.2 एन में नहीं जाएगा, सिर्फ 1 जाएगा क्योंकि इंटीजर का टाइप है मेरा, इंटीजर टाइप का है एन, तो 12 को हटा के आ गया इसमें 1, ठीक है। तो अब वापस ऊपर जाएगा वाइल्ड लूप में, तो वाइल्ड लूप में क्या है 1, मतलब एन में 1 आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू है कंडीशन, तो अंदर आएगा एन में क्या है अभी 1 मॉड 10 क्या होता है, 1 मॉड 10 इज 1, कभी भी ऊपर अगर छोटा है नीचे वाले से ऊपर का छोटा है तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता है, समझ लो 2 मॉड 3 है तो 2 ही आएगा क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यहाँ पे 2 आएगा, जो भी ऊपर रहेगा वही आएगा। तो यहाँ पे 1 मॉड 10 क्या होता है 1, तो यहाँ पे डी को हटा के 2 को हटा के 1 आ गया। तो अब डी में क्या है 1 है, 2 को हटा के यहाँ पे 1 है, और आर में कितना था 32, तो ये 32 था आर में, ठीक है। तो 32 इंटू 10 कितना होता है 320, और 320 प्लस 1 क्या होगा 321 हो जाएगा, 320 प्लस 1 321, तो R में 32 को हटा के 321 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे N में तो 1 था, 1 बाय 10 क्या होता है 1 बाय 10 क्या होता है 0.1, ठीक है। तो इंटीजर है तो सिर्फ 0 लेगा, तो 1 को हटा के N में आ गया 0, N में आ गया 0, तो वापस ऊपर जाएगा, तो N 0 नॉट इक्वल टू 0 है नहीं, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये फॉल्स हो गया कंडीशन, फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाना है, लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर आ जाएगा तो मुझे प्रिंट करना है प्रिंट एफ परसेंटेज डी आर, आर डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा, तो आर में जो भी चीज़ रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, वो मेरा रिवर्स रहेगा, तो आर में क्या आया मेरा प्रिंट होएगा 1321, तो आंसर आएगा मेरा 321, तो मैंने लिया था कितना था 123, तो आंसर आ गया 1321, तो ये हो गया रिवर्स मेरा। तो ऐसे कोई भी नंबर लोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा वाइल लूप का इतना अंदर का पार्ट रिवर्स नंबर के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।